Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Umar bin Abid and you're watching Bar Linguistics. So, dear viewers, in this lecture we are going to start a new book, English Phonetics and Phonology, which is widely recommended in most of the courses on phonetics and phonology, especially about English phonetics and phonology. So, I have been receiving requests about making lectures on this book, you can say for a year, and now I am going to start it. So, this video is in Urdu, or you can say in Hindi. So throughout this video I'll speak only in Urdu, and you can watch the same video, the same lecture in English as well. So the link is given below for English lecture as well. तो शुरू करते हैं इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, इसका चैप्टर वन. और आपको पता के जो राइटर है वो इसके हैं पीटर रोच, ठीक है. तो पीटर रोच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फोनेटिशियन है. आप अगर इंटरनेट पर भी सर्च करके उनकी पिक्चर भी देख लें, और अब इनकी एज भी तकरीबन आई थिंक 60 अबव है. और कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी जो फेमस है, और जो एक क्या कह सकते हैं कि मेन सोर्स है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को देखने के लिए, उसमें भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है. तो हमें सिर्फ यही नहीं कि जो वो हम बुक पढ़ लेते हैं कभी कभार, ख़ासतौर पर जब सिलेबस की बुक्स की बात आती है, तो आमतौर पर हमें अक्सर जो है वो ऑथर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता. तो हमें पता होना चाहिए ऑथर्स के बारे में, और इस्पेशली कि एक फील्ड में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका ज़रूर पता होना चाहिए. और ये जो बुक्स होती हैं ख़ासतौर पर जो इस तरह के पब्लिशर्स की तरफ से होती हैं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, रूटलेज, ये जो बुक पब्लिश करते हैं और ये जो ऑथर्स होते हैं, ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में, ठीक है. इनका बहुत ज़्यादा काम होता है, और बहुत ज़्यादा काम होने के बाद ही एक अच्छी बुक लिखी जाती है, ठीक है. तो शुरू करते हैं. अब जैसे ये कोर्स जो है वो, इसके हमें नेम से पता चल रहा है कि इसमें हमारा फोकस इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में है. और अगर इस कोर्स का हम पर्पस देखें तो यह कि हाउ दी, सॉरी के ये जो है वो कलर थोड़ा इस तरह नहीं होना चाहिए था, हाउ दी एक्सेंट नॉर्मली चोजन एज अ स्टैंडर्ड फॉर इंग्लिश लर्निंग स्टूडेंट्स इज स्पोकन इन इंग्लिश. असल में इस कोर्स में हम या इस बुक में हम ये देखेंगे कि जो एक्सेंट, अब इंग्लिश के काफ़ी ज़्यादा एक्सेंट्स हैं जो अब हम थोड़ी बहुत बात भी करेंगे. ऑल दो इसमें हम, इस पूरे कोर्स में हम एक एक्सेंट को ही देखेंगे स्पेशली. तो इंग्लिश के काफ़ी एक्सेंट्स हैं, आपको पता है अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, यानी ये जो वाइडर एक्सेंट्स हैं, या न्यूजीलैंड इंग्लिश है, वेल्श इंग्लिश है, साउथ अफ्रीकन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, इवन के पाकिस्तानी इंग्लिश है. तो इंग्लिश के काफ़ी ज़्यादा एक्सेंट्स हैं, होते तो हर लैंग्वेज के हैं. तो इंग्लिश के काफ़ी ज़्यादा एक्सेंट में से वो एक्सेंट जो आम तौर पर उन स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है जो इंग्लिश को लर्न करते हैं, और स्पेशली वो टीचर्स या वो कंट्रीज जो ब्रिटिश इंग्लिश सिखाते हैं, यानी स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश का एक्सेंट सिखाते हैं फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स को. जैसे हम कोई सीख रहे हों फॉर एग्जांपल इंग्लिश का एक्सेंट, तो आमतौर पर वो जिस एक्सेंट को रेकमेंड करते हैं तो वो आमतौर पर होता है बीबीसी प्रोनाउंसिएशन उसे कहते हैं, या रिसीव प्रोनाउंसिएशन भी, इसकी भी हम बात करते हैं. असल में ये वाला कोर्स उस एक्सेंट पे स्पेशली इसका फोकस होगा, इस पूरे कोर्स का, ठीक है, कि वो वाला एक्सेंट जो आमतौर पर स्टैंडर्ड समझा जाता है, और वो स्टैंडर्ड इस लिहाज से कि फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स को जो एक्सेंट सिखाया जाता है इंग्लिश का, वो इस कोर्स में हम देखेंगे. और जो इंग्लैंड में भी उसको एक अच्छा एक्सेंट समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है. तो अब जाहिर है कि हम वो सिर्फ एक्सेंट पे ही फोकस नहीं करेंगे कि भाई उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है कुछ वर्ड्स की, इस तरह नहीं. जब हम इस तरह के कोर्सेज पढ़ते हैं तो हमें फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए. ऑल दो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में और भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो जाहिर है कि जब हम एक एक्सेंट को डिटेल से देखना चाह रहे हों तो हमें फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का भी बेसिक नॉलेज जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है.
इसलिए हम वो भी पढ़ेंगे ताकि हमें ये पता चले कि किस तरह साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं और क्या क्या जो है वो प्रोसेसेस होते हैं। फ़नीम्स की अगर हम इसमें सबसे पहले हम फ़नीम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं ये आगे हम डिटेल से भी देखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है वो कोर्स ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हुई है। कोर्स ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि इस बुक में हर चैप्टर के आखिर पर आपको कुछ एक्सरसाइजेस मिलेंगी और उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं भी वो आंसर्स आपको वीडियोस में भी बताऊंगा थोड़ा एक्सप्लेन करके, और कुछ फर्दर जो प्रॉब्लम्स हैं फर्दर रीडिंग्स बताई गई हैं कि आप अगर डिटेल से किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो ये रीडिंग पढ़ लें इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी कुछ बातें हुई हैं। और फिर इस बुक की एक वेबसाइट भी है जहाँ पूरी जो है वो ग्लॉसरी मौजूद है, ठीक है, यानी हर जो टर्म है उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन हर मेन टर्म की। तो वो मैं आपको चलें बता भी देता हूँ वो हमें कहाँ से मिलेगी, ठीक है। इंटरनेट पर जब आप सर्च करेंगे इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ठीक है, तो एक वेबसाइट होगी कैम्ब्रिज की, ये वाली इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी टीचर डेवलपमेंट, ठीक है, ये है वेबसाइट। मैं आपको इसको थोड़ा वो भी करके दिखा देता हूँ जूम करके, ठीक है, ये वेबसाइट इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी टीचर डेवलपमेंट। अब इस पर आपने क्लिक करना है, तो अब यह है कि इन रिसोर्सेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जब आप इधर जाएंगे और रिसोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो ये सारे रिसोर्सेज हैं जो मौजूद हैं इस बुक से रिलेटेड, लेकिन इसके लिए ना आपको साइन इन करना पड़ेगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं पहले ही क्योंकि अकाउंट बना चुका हूँ तो मैं अब जैसे मैंने साइन इन कर लिया, अब जब मैं साइन इन कर लूँगा तो ये रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होंगे। असल में ये वो रिसोर्सेज हैं ऑडियो पीडीएफ और वीडियो। अक्सर वीडियो रिसोर्सेज तो इस टाइम अनअवेलेबल हैं, लेकिन जो पीडीएफ काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी फोर्थ एडिशन ग्लॉसरी लैंग्वेज समरी। ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी इंटरेक्टिव है। और फिर जो एक्सरसाइजिंग है उनके भी रिसोर्सेज ये सारे हमें मिल जाएंगे, जहाँ हमें ज़रूरत होगी तो उधर हम क्या कहते हैं कि इनको डाउनलोड करके देख भी लेंगे अगर हमें लेक्चर्स के दौरान ज़रूरत पड़ी। तो अब फ़नीम की बात कर लेते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में जो रेगुलरली यूज्ड साउंड्स होते हैं जिनसे आमतौर पर हम वर्ड्स बनाते हैं उन्हें हम फ़नीम कहते हैं। फ़नीम को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल साउंड यूनिट, ठीक है। फ़नीम्स में आमतौर पर हमारे पास वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वॉवल्स में आगे हम मज़ीद जो है वो डिवीजन करके डिफ्थोंग ट्रिफ्थोंग्स वो भी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल देख लें, जैसे अब पेन है, पिन है या पैट है, इन तीनों में या सेट लेट इन पाँचों वर्ड्स में जो है वो तीन तीन फ़नीम है, फ ए न फ ई न, ठीक है, इस तरह ये हम कहेंगे कि पेन में ये तीन फ़नीम है। और दूसरी बात यह है कि जब हम आमतौर पर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको पता है कि स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं और साउंड्स डिफरेंट होते हैं। इसकी मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है वो वजह बता चुका हूँ कि इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी लैंग्वेजेस से बोरो किए गए हैं। इसके लिए आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं लैंग्वेज हिस्ट्री एंड चेंज, वो एक कम्प्लीट प्लेलिस्ट है, ठीक है। अगर आप लिखेंगे लैंग्वेज हिस्ट्री एंड चेंज आगे उमर तो आपको वो यूट्यूब पर जो है वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग्स और साउंड्स में जो है वो बहुत डिफरेंस हमें मिलता है। अगर हम बात करें जैसे इनफ, अब इनफ का जो फर्स्ट साउंड है वही इनेप्ट का भी फर्स्ट साउंड है, यानी ये आई से शुरू हो रहा है या ई से शुरू हो रहा है, लेकिन दोनों में जो शुरू में साउंड है वो ई है, ठीक है, इनफ और इनेप्ट। और
अब इनफ में आखिर पर जीएच है और स्टफ में आखिर पर एफ है, लेकिन इन दोनों का जो साउंड है वो एफ ही है। लिहाजा जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो हमें ज़्यादा इंग्लिश प्रोनंसिएशन में हमारा फ़नीम पर ज़्यादा जो है वो फोकस होना चाहिए रादर देन अल्फ़ाबेट। ऑल्दो काफ़ी लैंग्वेजेस इस तरह की भी हैं कि जिनमें अल्फ़ाबेट जो है वो ही एक ही साउंड रिप्रेजेंट करता है, एक अल्फ़ाबेट एक ही साउंड रिप्रेजेंट करता है, काफ़ी इस तरह की लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इंग्लिश में इस तरह नहीं है। अब जो हम स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम फ़नीम्स कहते हैं, वो उन्हें हम असल में कहते हैं फ़नेटिक अल्फ़ाबेट। ठीक है, कि ये एक अगर मैं कहूँ पेन तो ये तीनों जो हैं वो फ़नेटिक अल्फ़ाबेट हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये फ़नेटिक अल्फ़ाबेट हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर ये वर्ड है स्टफ़, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे स्टफ़। ठीक है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट हैं, इसीलिए मैं कोई ब्रैकेट जो है वो यूज़ नहीं कर रहा, स्क्वायर ब्रैकेट्स या स्लैंटिंग ब्रैकेट। तो टेक्निकली टर्म जो है वो हम जब हम फ़नेटिक अल्फ़ाबेट में किसी भी वर्ड को लिखते हैं तो उसके लिए हम टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं कि ये इस वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन है, या ये वर्ड जो है वो इस तरह जो है वो ट्रांसक्राइब जो है वो किया जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद थोड़ी बात हुई है कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर में कि चैप्टर 2, 3, 4 और बाकी चैप्टर्स में क्या बात होगी, वो अभी हम ज़रूरत नहीं है इधर बात करने की। अब हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं सिलेबल स्ट्रेस एंड इंटोनेशन को, तो ये वाले कॉन्सेप्ट भी हम लेटर देखेंगे कोर्स में, कुछ और चैप्टर्स, एक कंप्लीट चैप्टर जो है वो सिलेबल पर भी होगा, स्ट्रेस और इंटोनेशन पर भी होगा। यहाँ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सिलेबल का आपको पता है कि सिलेबल में एक वावल या वावल लाइक साउंड होना चाहिए और एक ऑप्शनल कॉन्सनेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंग्लिश में जो ए है, जो एक आर्टिकल या डिटर्मिनर जिसे हम कहते हैं, तो ये एक कम्प्लीट सिलेबल है। और बी ए टी बैट, ये भी एक सिलेबल है क्योंकि इसमें एक वावल है। ठीक है, और बैट, ठीक है, और ऑप्शनल कॉन्सनेंट भी आ सकते हैं, यानी कॉन्सनेंट और वावल, यानी वावल के बगैर तो सिलेबल बन ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन कॉन्सनेंट के बगैर बन भी सकता है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, तो ये सिलेबल है, इसको हम डिटेल से देखेंगे। और इसके अलावा जो मैंने कुछ बेसिक लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं फ़नेटिक्स और फ़नोलॉजी पर, जिसमें फोकस था जॉर्ज जूल की बुक पर, वो भी आप देख सकते हैं, मैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम स्ट्रेस को देखें। स्ट्रेस आमतौर पर रफली डिस्क्राइब हम स्ट्रेस को करते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सिलेबल, के एक सिलेबल की स्ट्रेंथ कितनी है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में काफ़ी इस तरह के वर्ड्स जो एज अ नाउन और एज अ वर्ब यूज़ होते हैं, उनमें इस तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड है कॉन्टैक्ट, अगर ये हम नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं, आई फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, तो शुरू में स्ट्रेस होती है कॉन्टैक्ट, सॉरी कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, शुरू वाले सिलेबल पर स्ट्रेस होती है, लेकिन अगर यही जो है वो एज अ वर्ब यूज़ हो तो फिर आमतौर पर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। सो इंग्लिश में जो स्ट्रेस है वो मीनिंग का फंक्शन रखती है, यानी ग्रामेटिकल फंक्शन है इंग्लिश में स्ट्रेस का, इधर से हमें पता चलता है, क्योंकि स्ट्रेस की शिफ्ट होने से वर्ब से नाउन बन सकता है, नाउन से वर्ब बन सकता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस तरह और भी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं। और अगर हम इंटोनेशन की बात करें, इंटोनेशन यूज़ ऑफ पिच ऑफ द वॉइस टू कन्वे मीनिंग। अच्छा, इंटोनेशन होता है कि राइज एंड फॉल ऑफ स्पीच, इसे हम इंटोनेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है वेल, अब जाहिर है इसमें एक ही ये एक ही सिलेबल है इस ये पूरे वर्ड में, क्योंकि एक ही वॉवल है। तो अब ये कभी कभार अगर कोई इस तरह बोले वेल, अब ये लग रहा है कि कोई जो है ना इसके आगे कोई बात करना चाह रहा है स्पीकर, और वेल एक बंदा कहता है वेल, ठीक है, ये आमतौर पर एक आंसर होता है। ठीक है, और यानी और जब यही जो है वो आमतौर पर इस तरह वेल, तो ये क्वेश्चन के तौर पर यूज़ होता है। तो यानी जो राइज एंड फॉल ऑफ स्पीच है वो एक सिंपल स्टेटमेंट को जो है वो क्वेश्चन में
भी बदल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट. तो अब जो दूसरा सेंटेंस है वो आपको सुनने से ही पता चल रहा होगा कि मैं कोई क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि क्या ये वाकई कैट है. इंग्लिश उर्दू में भी जैसे हम करते हैं कि खाना खा लिया है, और एक मैं कहूँ खाना खा लिया, तो अब एक स्टेटमेंट है और एक जो है वो क्वेश्चन है. ठीक हो गया. अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं एक्सेंट्स एंड डायलेक्ट्स की. इनकी भी हम बाद में डिटेल से बात करेंगे. इधर सिर्फ इतना ही कि ये टू टर्म्स जो हैं एक्सेंट एंड डायलेक्ट, कभी कभार लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो एक्सेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ डिफरेंस इन प्रोनंसिएशन को देखते हैं कि प्रोनंसिएशन में क्या डिफरेंस है, यानी दो जो एक्सेंट्स हैं उनकी प्रोनंसिएशन में क्या डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल कोई किसी एक्सेंट में एग्ज़ाम्पल है, किसी एक्सेंट में एग्ज़ाम्पल है, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में एग्ज़ाम्पल है, अमेरिकन इंग्लिश में एग्ज़ाम्पल है, या मेरे ख्याल में वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, इस टाइम मुझे याद नहीं है. लेकिन इसी तरह एग्ज़ाम्पल है, किसी में एग्ज़ाम्पल है. तो और जो एक्सेंट्स में एक्सेंट की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोनंसिएशन में डिफरेंस किस तरह आ रहा है. जियोग्राफिकल लोकेशन के चेंज होने से, सोशल क्लासेस के चेंज होने से, एज और एजुकेशनल बैकग्राउंड के चेंज होने से, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेंट्स को इफ़ेक्ट करती हैं. और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा. आपको जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उनकी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी चेंज नज़र आएगी, ठीक है. और फिर आप देखते होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सिटी से अगर दूसरे या तीसरे सिटी जाते हैं तो आपको जो है वो कुछ वर्ड्स की प्रोनंसिएशन में चेंज नज़र आ रहा होता है, कुछ आपको जो है वो इवन के और भी चीज़ों में जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा होता है, वो डायलेक्ट में हम देखते हैं. ठीक है, तो वो है डायलेक्ट. अब डायलेक्ट की जब हम बात करते हैं, टू डायलेक्ट रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच इज़ डिफरेंट फ्राम अदर्स, नॉट जस्ट इन प्रोनंसिएशन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर एंड वर्ड ऑर्डर. तो जब हम कहेंगे कि ये एक डायलेक्ट है और ये दूसरा डायलेक्ट है, ये दोनों डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं एक ही लैंग्वेज के, जाहिर है जब डायलेक्ट या एक्सेंट की बात करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं कि भाई उर्दू के एक्सेंट्स, इंग्लिश के एक्सेंट, अरबिक के एक्सेंट. तो जब हम कहते हैं कि डायलेक्ट्स डिफरेंट हैं, तो डायलेक्ट की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एक डायलेक्ट और दूसरा डायलेक्ट. तो डायलेक्ट में सिर्फ प्रोनंसिएशन चेंज नहीं होती, डायलेक्ट जब दो डायलेक्ट डिफरेंट होंगे तो उनमें वोकैबुलरी भी चेंज होगी, ग्रामर भी, और इवन के वर्ड ऑर्डर भी कभी कभार चेंज हो जाते हैं. ये मैंने थोड़ी सी बात की है कि उसमें रीजनल वेरिएशन इन लैंग्वेज, ठीक है, जो जॉर्ज जूल की बुक आई सिंह 18 नंबर चैप्टर है उस पर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, तो ये मैं ऐड करता जाऊँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं ये भी ऐड कर दूँगा. उसमें मैंने इस तरह की बात की है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब कुछ लोग जो है वो फ्यूल कहते हैं, कुछ लोग उसे ऑयल कहते हैं, कुछ लोग उसी को गैस कहते हैं, ठीक है, और पेट्रोल भी कहा जाता है. अब ये मुख्तलिफ एक्सेंट्स में, फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल और गैस में काफ़ी डिफरेंस है. पेट्रोल आई थिंक ब्रिटिश इंग्लिश में पेट्रोल यूज़ किया जाता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में उसी के लिए गैस या गैसोलीन यूज़ किया जाता है. तो अब ये देखें हमें वोकैबुलरी का डिफरेंस आ रहा है. इसी तरह अगर हम कैरेबियन इंग्लिश की बात करेंगे, जो मैंने उधर थोड़ी बात की है, तो ग्रामर चेंज है, और कई इंग्लिश के इस तरह के भी डायलेक्ट्स हैं कि वर्ड ऑर्डर चेंज है, ठीक है. रिसीव प्रोनंसिएशन, इसकी मैं बात अब करने जा रहा था, जो हमारा मेन फोकस होने जा रहा है इस पूरे कोर्स में. सो हम जिस एक्सेंट पे कंसंट्रेट करेंगे इस पूरे कोर्स में, और वो एक्सेंट है जो कि आमतौर पर फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स जो कि ब्रिटिश इंग्लिश को लर्न कर रहे हों, यानी जो भी फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स ब्रिटिश इंग्लिश सीखना चाह रहे हों, उन्हें आमतौर पर जो एक्सेंट सिखाया जाता है उसका नाम काफ़ी देर तक रहा है रिसीव्ड प्रोनंसिएशन, यानी काफ़ी देर तक इसे रिसीव्ड प्रोनंसिएशन कहा जाता रहा है. लेकिन अब इसे इसकी बजाय कहा जाता है बीबीसी प्रोनंसिएशन. अच्छा, अब इसे क्यों रिसीव प्रोनंसिएशन नहीं कहा जाता, ठीक है, अब भी ये टर्म यूज़ होती है, लेकिन ये फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आपको कई कंट्रीज़ में अब भी ये मिलेगी, लेकिन क्योंकि हम पीटर रोज की बात से ज़्यादा तो कोई ऑथेंटिक नहीं हो सकती जो खुद ब्रिटिश हैं और जो ये सारा काम कर रहे हैं.
उसकी वजह ये है कि जो रिसीट प्रोनंसिएशन से एक ये जो है वो मिसलीडिंग होती थी कि रिसीट से मुराद है एक्सेप्टेड, कि सिर्फ यही एक्सेंट जो है या यही प्रोनंसिएशन एक्सेप्टेड है, बाकी जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब कोशिश की जाती है कि कई लोग कहते हैं, कई जो फोनेटिशंस हैं वो रिसीट प्रोनंसिएशन की बजाय बीबीसी प्रोनंसिएशन यूज़ करते हैं वर्ड। ठीक है, और उसकी वजह यह है कि असल में ये जो आरपी है या जो बीबीसी प्रोनंसिएशन है, ये एक ही एक्सेंट के लिए बोला जाता है, और ये असल में वो इसे बीबीसी प्रोनंसिएशन इसलिए कहा जाता है कि जो बीबीसी अनाउंसर्स हैं यानी ये जो न्यूज़ रीडर्स हैं बीबीसी पर, उनमें से अक्सर जो है वो इसी एक्सेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिपेंडेंट टेलीविजन या बीबीसी पर आते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये अब एक और जो कंफ्यूजन कई लोगों को होती है कि क्या ये यूके का यानी इंग्लैंड का या ब्रिटेन का क्या ये कोई ऑफिशियल एक्सेंट है या बीबीसी की वजह से ये ऑफिशियल एक्सेंट हो गया, तो ये बात जो है ये भी इसमें भी जो है वो कोई हकीकत जो है वो नहीं है कि ये कोई ऑफिशियल एक्सेंट है। तो बीबीसी ना ही जो न्यूज़ रीडर्स हैं बीबीसी के उन पर ये इम्पोज करता है कि वो बिल्कुल जो है वो इस एक्सेंट के बगैर आ नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर है, और बल्कि अब जो है वो बीबीसी में अब जो इंडिविजुअल स्पीकर्स हैं, हर एक का अपना जो है पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस रीजनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि इंग्लैंड में काफ़ी एरियाज हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सेंट हैं, यानी स्कॉट्स हैं या स्कॉटलैंड से या वेल्श से या आयरिश से, इस तरह के जो जो इन एरिया से भी जो है वो अब न्यूज़ रीडर्स बीबीसी में एम्प्लॉयड हैं, और उनके अपने अपने पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन वही बात कि हमारा जो फोकस होगा जो इस बुक में हम डिस्क्राइब करेंगे वो उन्हीं टिपिकल ब्रॉडकास्टर्स का है जो एक इंग्लिश एक्सेंट के साथ आते हैं, यानी जो प्योर इंग्लिश बैकग्राउंड जिनका होता है। ठीक है, उनके ही एक्सेंट के बारे में हम बात करेंगे, और ये जो इंग्लिश प्योर इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, उनके जो एक्सेंट्स हैं वो आमतौर पर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट भी होते हैं, तो असल में हम उन्हीं की बात करेंगे, लेकिन इनकी भी थोड़ी बहुत बात होगी जो और डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन ज़्यादा उनकी बात होगी जो प्योर इंग्लिश बैकग्राउंड से जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन प्रोनंसिएशन, ये कोर्स जो है वो ब्रिटिश प्रोनंसिएशन को ही देखेगा, और उसमें भी हम बात कर चुके हैं कि उसमें भी बीबीसी प्रोनंसिएशन को देखा जाएगा, और उसमें भी हम जो है वो क्या कहते हैं कि उसमें भी उन स्पीकर्स की वैरायटी को लिया गया जो प्योर इंग्लिश बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो ये जो कोर्स है ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अमेरिकन प्रोनंसिएशन को स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन चैप्टर 20 में से थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस किया गया। अब आगे ये हम बात कर लेते हैं कि जो द प्रोनंसिएशन ऑफ इंग्लिश इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो इंग्लिश है उसकी प्रोनंसिएशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ब्रिटिश इंग्लिश से, लेकिन क्योंकि अब तो वैसे ही माइग्रेशन या ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग एक दूसरे कंट्रीज़ में काफ़ी मूव करते हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसीलिए ब्रिटेन में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ हैं जहाँ लोग जो है वो अमेरिकन एक्सेंट हैं उनका, यानी वो अमेरिकन इंग्लिश तो नहीं, यानी अमेरिकन एक्सेंट से आते हैं, अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, और इसी तरह अमेरिका में भी कई इस तरह के हमें एरियाज़ मिलेंगे जहाँ जो लोगों के एक्सेंट्स जो हैं वो ब्रिटिश होंगे। ठीक हो गया, तो ये भी हमने बात कर ली। अब आगे एक और, इंग्लैंड और ब्रिटेन में भी थोड़ी जो है वो हमें डिफरेंशिएशन करनी चाहिए। जब हम इंग्लिश के डिफरेंट एक्सेंट्स की बात करते हैं तो हमें इंग्लिश इंग्लैंड और ब्रिटेन इनमें जो है वो हमें फ़र्क करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश के जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेंट्स हैं, देर आर मैनी एक्सेंट्स इन इंग्लिश बट द रेंज बिकम्स वाइडर इंक्लूडिंग, अच्छा ये मैंने इधर लिखना था कि देर आर मैनी एक्सेंट्स इन इंग्लैंड, यानी जो इंग्लैंड जिसे हम कहते हैं इंग्लैंड, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा एक्सेंट्स हैं,
यानी जिसे हम पूरे एरिया को कहते हैं कि प्योर इंग्लिश वाला, लेकिन जब हम पूरे ब्रिटेन की बात करते हैं जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाते हैं, तो ये जो रेंज है ये वाइडर बन जाती है, फिर बहुत ज़्यादा एक्सेंट्स की बात होती है, ठीक है, क्योंकि ये असल में स्कॉटिश, वेल्श या आयरिश ये डिफरेंट लैंग्वेज, ये सिर्फ कोई जो है वो इधर इंग्लिश ही नहीं सिर्फ बोली जाती, ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं असल में, ठीक है। वेल्श बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है इंग्लिश से, ठीक है, मैंने इसे थोड़ा देखा भी है, इस तरह स्कॉटिश और आयरिश, तो क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो पूरे ब्रिटेन में ये एरियाज भी आते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सिर्फ इंग्लैंड की बात करते हैं तो हम इंग्लिश एक्सेंट्स की बात करते हैं, लेकिन जब हम इनको भी शामिल करेंगे तो ये एक्सेंट्स की रेंज जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। और आमतौर पर इसीलिए जो है वो जो मेजॉरिटी डिस्टिंक्शन करते हैं स्पीकर्स, यानी उधर जो ब्रिटेन के जो स्पीकर्स हैं वो किसी को सुनते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लैंकशायर है या यॉर्कशायर है, तो ये आमतौर पर इन्हें कहा जाता है कि इनका एक्सेंट जो है वो नॉर्दर्न, क्योंकि नॉर्दर्न इंग्लैंड से हैं, और कुछ को जो है वो साउदर्न इंग्लैंड से बिलोंग किया जाता है। लेकिन ये कोर्स वंस अगेन हमारा इंटायरली फोकस होगा बीबीसी प्रोनंसिएशन पर। इधर ये भी जो है वो हमें जो है वो एक कन्फ्यूजन जो है वो दूर करनी चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी इंग्लिश के एक्सेंट्स हैं वो इन्फीरियर हैं या लेस प्लेजेंट हैं, वो सुनने में अच्छे नहीं लगते। ये मैं काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ कि लिंग्विस्टिक्स को पढ़ने का हमारा मकसद यही है कि नो लैंग्वेज सुपीरियर दैन दी अदर। कुछ लैंग्वेज के साथ कुछ वजूहत की वजह से, यानी अगर कुछ लैंग्वेज के या किसी एक्सेंट के स्पीकर्स के पास ज़्यादा सोशल पावर हो या इकोनॉमिक पावर हो, उसकी वजह से लोग उस एक्सेंट को सीखना चाहते हैं, या इवन के लैंग्वेज के बारे में भी यही है कि इंग्लिश जो है वो अब इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ज़्यादा एडवांसमेंट जो है वो इंग्लिश स्पीकर्स की तरफ से हुई है या उन कंट्रीज़ की तरफ से जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, जैसे अमेरिका या ब्रिटेन है, तो इस वजह से लोग इंग्लिश को बोलने में कई लोग अच्छा समझते हैं इंग्लिश को, उस क्योंकि इंग्लिश के साथ अब एक प्रेस्टीज अटैच हो चुकी है, एक पावर अटैच हो चुकी है। लेकिन सिर्फ इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कोई लैंग्वेज एक दूसरी से बेहतर है, या एक लैंग्वेज बुरी है दूसरी लैंग्वेज अच्छी है, ये लफ्ज़ तो हम बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते। तो अब फिर इधर बीबीसी प्रोनंसिएशन हम क्यों पढ़ रहे हैं इस कोर्स में, क्या बाकी एक्सेंट्स को नहीं देखा जा सकता? अब वही बात है कि इसकी एक मेन जो रीज़न वो ये है कि जो टीचर्स हैं, जो वो ब्रिटिश टीचर्स हैं, वो जब भी किसी फॉरेन लर्नर को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, या इवन के बाकी कंट्रीज़ में भी हमें इस तरह मिलता है, तो असल में ये जो एक्सेंट है ये बहुत फुली डिस्क्राइब्ड एक्सेंट है, ठीक है। ये जो यानी बीबीसी प्रोनंसिएशन वाला एक्सेंट है ये, या आरपी, ये क्योंकि एक तो फुली डिस्क्राइब्ड है, इस पर बुक्स लिखी गई हैं और इसको रेफरेंस बनाकर जो है वो प्रोनंसिएशन डिक्शनरीज भी लिखी जाती हैं। अब क्योंकि एक एक्सेंट जब फुली डिस्क्राइब्ड है तो इस वजह से जो है वो उसे रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि अगर कोई दूसरा एक्सेंट चूज़ किया जाए तो उसके लिए फिर उतनी ही ज़्यादा, यानी ये सालों की मेहनत का नतीजा, यानी बल्कि सालों भी क्या, यानी हम कह सकते हैं सेंचुरी, ठीक है, कम से कम इतना जो है वो वक्त लगता है। तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है अगर एक एक्सेंट को इस तरह फुली डिस्क्राइब कर लिया जाए जो कि फॉरेन लर्नर्स को जो है वो सिखाया जाए, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो कभी कभार इश्यूज एसोसिएट हो जाते हैं, ये अभी हमारा इधर मकसद नहीं है कि कभी कभार इसकी वजह से ही और इस तरह के इश्यूज आते हैं कि कई लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं बीबीसी एक्सेंट ही सीखना है या यही बेहतर है, ठीक है, कोई और एक्सेंट हमने नहीं सीखना, और या इसके फिर ज़्यादा प्रेस्टीज भी कभी कभार इस तरह अटैच हो जाते, वो अलग से इश्यूज़ हैं। लेकिन इधर हम इतनी ही बात करते हैं, ये बातें हम फिर कभी करेंगे जब हम किसी और एरिया में थोड़ा जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से बीबीसी प्रोनंसिएशन को रेकमेंड किया जाता है कि टेक्स्ट बुक प्रोनंसिएशन डिक्शनरीज इसी को रेफरेंस बनाकर बनाई जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। ऑल दो अब बहुत ज़्यादा काम होने लग गया और एक्सेंट्स पर भी, ठीक है, लेकिन इस कोर्स में हमारा यही फोकस होगा, और क्योंकि फॉरेन लर्नर्स को यही एक्सेंट सिखाया जाता है तो ये कुछ वजह हैं।
ठीक हो गया। इसके साथ ही हम एक बात करते हैं, ये शायद आपने पहली दफ़ा टर्म सुनी होगी, एस्टुअरी इंग्लिश। एस्टुअरी इंग्लिश, एस्टुअरी भी इसे कहा जाता है, एस्टुअरी इंग्लिश। ये टर्म जो है वो अब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई है, शायद मैंने भी इतना कोई नहीं सुना था, इधर तो नहीं सुना, लेकिन ये ब्रिटेन में यूज़ होती है। और कई लोग ये सोचते हैं कि एस्टुअरी इंग्लिश, यानी पढ़ने से यही लगता है कि ये भी कोई नया एक्सेंट है, लेकिन इस तरह का कोई एक्सेंट नहीं है। और इस वर्ड को हमें थोड़ा केयर से यूज़ करना चाहिए। असल में सोशियोलिंग्विस्टिक्स जो रिसर्चेज होती हैं, ठीक है, उनमें ये देखा गया कि वो लोग जो पहले समझते थे कि बीबीसी प्रोनंसिएशन ही एक्सेप्टेड है या बीबीसी प्रोनंसिएशन ही ज़्यादा बेहतर है, यानी जो समझते थे कि बीबीसी प्रोनंसिएशन एक स्टैंडर्ड एक्सेंट है या यही बोलना चाहिए खासतौर पर पब्लिक फिगर्स, ठीक है, वो अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो लंदन एरिया का एक्सेंट है, लंदन एरिया का जो एक्सेंट है, उसे भी अब वो कई लोग जो है वो एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि ये भी जो है वो एक स्टैंडर्ड, इसे भी यानी एक अच्छा एक्सेंट समझा जाने, यानी असल में ये है कि मैं आप जिक्र करूँगा वही कि कई रिसर्चेज हुई हैं एक्सेंट बाइसनेस इन ब्रिटेन, तो उसमें देखा गया कि रिसीव प्रोनंसिएशन के बाद जो एस्टुअरी इंग्लिश है इसका सेकेंड नंबर है, यानी लोग इसे प्रीफर करने लग गए हैं अब, ठीक है, इसके साथ भी अब प्रेस्टीज थोड़ी अटैच होने लग गया। तो अब कई लोग समझते हैं कि ये वाला एक्सेंट ये असल में लंदन एरिया के करीब बोला जाता है, और एस्टुअरी का मतलब है थेम्स एस्टुअरी। ये असल एस्टुअरी असल में वो वाला हिस्सा होता है जहाँ रिवर जो है, दरिया जो है वो एक समंदर में गिरता है, यानी जहाँ रिवर जो है वो समंदर से मिलता है, उस एरिया को एस्टुअरी कहते हैं। अब ये लंदन के करीब है, ठीक है, तो इस एरिया में जो एक्सेंट बोला जाता है अब वो भी एक्सेप्टेबल होने लग गया, उसको भी यानी उतनी ही एक्सेप्टेंस मिलने लग गई है जितनी के बीबीसी प्रोनंसिएशन को, ठीक है, इसलिए ये टर्म भी अब यूज़ होने लग गया। और उसका मेन, क्योंकि इस एरिया में जो लैंग्वेज है उसमें ग्लॉटल स्टॉप ये उसका बहुत है, यानी बट की बजाय ब ब ब, ठीक है, या मोर की बजाय मो, इस तरह, तो ग्लॉटल स्टॉप इसका एक फीचर है जिसकी हम बात करेंगे ज़रूर। और पहले जो है इसी ग्लॉटल स्टॉप को जो है वो डिसअप्रूव किया जाता, इसे अच्छा नहीं समझा जाता कि भाई ये स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अब ये इस एरिया में जो एक्सेंट यूज़ हो रहा है वो भी एक्सेप्टेबल है। और क्योंकि अब लंदन एरिया के करीब, या खास मैंने इतना मैप को तो नहीं स्टडी किया, लेकिन शायद उसी एरिया में जो है वो टेम्स एक रिवर है, ठीक है, इंग्लैंड में, तो वो शायद जो है वो समंदर में जाकर गिरता है, उधर मिलता है, इसलिए जो है वो उसे थेम्स एस्टुअरी कहा जाता है। मैं आपको जो है वो ये एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ मैप से। अब ये देखें, जैसे ये लंदन है और ये लंदन का एरिया है, और इधर से ये रिवर जा रहा है, तो ये रिवर थेम्स है, और थोड़ा सा आगे इधर हम जब आते हैं तो इधर साउदर्न सी आ जाता है, तो इसीलिए ये वो एस्टुअरी का एरिया बन गया, क्योंकि इधर रिवर जो है वो सी में जाकर गिर रहा है, ठीक है, ये रिवर सेम्स है, और ये देखें ये साउदर्न, ये वेस्टफील्ड ऑन सी, तो यानी ये आगे सी में गिर जाता है रिवर टेम्स, ठीक है, तो इसीलिए इस एरिया को जो है वो एस्टुअरी कहते हैं, उसी से वो एस्टुअरी इंग्लिश, क्योंकि ये वो जो पूरा एरिया जो है वो इधर ये लंदन और ये वाला सारा एरिया उसमें आ जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद जो है वो रिटन एक्सरसाइजेज हैं, कुछ और जो है वो बातें हुई हैं नोट्स ऑन प्रॉब्लम्स एंड फर्दर रीडिंग इसी चैप्टर में, लेकिन वो इधर हमारा कोई फोकस नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो स्टडी कर सकते हैं। उसमें थोड़ी कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी की बात हुई है, फिर ये भी बात हुई है कि इसी आरपी के लिए बीबीसी प्रोनाउंसिएशन के लिए एक दफ़ा जनरल ब्रिटिश इंग्लिश जीबी, ठीक है, जनरल ब्रिटिश इंग्लिश, ये भी जो है वो टर्म यूज़ की गई है कई लोगों ने। फिर जो 1917 का कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी का एडिशन था उसमें इसके लिए पीएसपी पब्लिक स्कूल प्रोनंसिएशन ये वाला वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता था। फिर एक और वजह बीबीसी प्रोनंसिएशन को एज आ जो है वो सोर्स यूज़ करने की ये भी है कि
बीबीसी का जो है वो एक प्रोनंसिएशन रिसर्च यूनिट भी है काफ़ी अच्छा, जिसमें वो अपने ब्रॉडकास्टर्स को ट्रेन भी करते हैं कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स या नेम्स जो हैं वो किस तरह प्रोनाउंस करने हैं। ठीक है, तो यानी काफ़ी ज़्यादा इस एक्सेंट पर जो है वो काम हुआ है। तो ये कुछ वजूहात हैं इसको प्रीफर करने की। रिटन एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। गिव थ्री नेम्स दैट हैव बीन यूज फॉर द एक्सेंट यूजली यूज फॉर टीचिंग द प्रोनंसिएशन ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। जो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो RP रिसीव प्रोनंसिएशन है, एक BBC प्रोनंसिएशन है, एक GB है जनरल ब्रिटिश, और चौथी की भी अगर हम बात कर लें फोर्थ की भी, PSP पब्लिक स्कूल प्रोनंसिएशन। वट इज़ द डिफरेंट बिटवीन एक्सेंट एंड डायलैक्ट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक्सेंट आर कंसर्नड ओनली विद प्रोनंसिएशन इन डिफरेंट वराइटीज, वेर एज डायलैक्ट कंसर्नड विद नॉट ओनली द डिफरेंस इन प्रोनंसिएशन बट ऑल्सो डिफरेंस इन वोकैबुलरी, ग्रामर एंड वर्ड ऑर्डर। विच वर्ड इज़ यूज टू रिफर टू द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सिलेबल, इसके लिए हम स्ट्रेस का वर्ड यूज़ करते हैं। हाउ मैनी साउंड्स और फनीम्स डू यू थिंक दे आर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अभी हमें ट्रांसक्रिप्शन करने की ज़रूरत तो नहीं है, चलें उससे हमें थोड़ा बेहतर पता चल सकता है। यानी वही बताने के लिए कि इंग्लिश में स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन में काफ़ी डिफरेंस था। तो लव में लेटर तो फोर हैं लेकिन फनीम तीन हैं, हाफ में सिर्फ तीन फनीम हैं, रिस्ट में भी तीन फनीम हैं, श्रिंक में भी तीन फनीम हैं, फोर सच श्रिंक, और ऑट में दो फनीम हैं ऑट। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन भी तो ये है, नंबर ऑफ फनीम तीन है, इसमें भी तीन, चार, 1, 2, 3, 4, 5 और 2 इसमें। ठीक है, तो ये था लेक्चर और इंट्रोडक्शन टू फनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ये चैप्टर 1 था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। Don't forget to give your feedback. Remember in your prayers, JazakAllah khairan and thank you.